योगी सरकार में मिनिस्टर ओपी राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ मुखर की आवाज, अपने ही विभाग के मंत्री को लिख डाला पत्र। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट टू का कार्यकाल जारी है और इस सरकार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दंभ भरते नजर आते हैं, मगर उनके इस दावे की पोल उनकी ही सरकार की सहयोगी पार्टी और हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खोलते नजर आ रहे। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार के एक भ्रष्ट अधिकारी के बारे में पत्र लिखा और मांग की है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष ने जिस भ्रष्ट अधिकारी का जिक्र किया वो अपने कारनामों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। गौर ब्लॉक के ग्राम कुनगाई बुजुर्ग गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी देवकी नंदन पर इसी गांव की कई विधवा और गरीब महिलाओं ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि सेक्रेटरी देवकी नंदन प्रधानमंत्री आवास और विधवा आवास के नाम पर रिश्वत मांगते हैं और जो पात्र महिला उन्हें पैसे नहीं दे पाती उन्हें अपात्र कर दिया जाता है। देवकी नंदन पर एक पार्टी विशेष के कार्यक्रम में लगातार संलिप्त होने का आरोप लगाया गया। गांव की पीड़ित महिलाओं ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पत्र के माध्यम से सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अब अपने ही विभाग के खिलाफ मंत्री को भी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज मुखर करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बस्ती के डीपीआरओ के पास रंगबाज सेक्रेटरी देवकी नंदन को हटाने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए लेटर भेज दिया है। इस पत्र को लेकर जब डीपीआरओ से बात की गई तो वो अपने पत्र से ही अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कह रहे थे कि पत्र आने दीजिए, फिर देखेंगे। अब विभाग के जब मुखिया ही ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें अपने ही विभाग के मंत्री से कोई डर नहीं लगता, तो उनके मातहत कर्मचारियों को किसी कार्रवाई का तो डर होगा ही नहीं। फिलहाल कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बस्ती के पंचायती राज विभाग की वजह से सरकार और मंत्री ओम प्रकाश राजभर की छवि लगातार धूमिल हो रही है। ब्लॉक पे तो क्या उसके बाद फिर आपने दिया नहीं पैसा? अभी तो कैसे रहती है? बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। इसी में रहती हो? काम क्या करती हो? बस ये घर के काम काज करती हूं। और काका राशन कार्ड बना है? बनवा लिए। कैसे कार्ड का आवास नहीं मिला आपको? नहीं। कितने लोग हैं आपके घर? बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे मतलब 3 भाई हैं। इसमें पति आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं, यही सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो क्या क्यों नहीं आवास मिला है? अब नहीं लगाया जब सर, तो कहाँ से मिलेगा? क्या कह रहे हैं सिगरेट? कह रहे हैं कि घूस पात दो तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं। कितना मांग रहे हैं? 5,000 किसी से मतलब घर में तो 3-4 लोग हैं, वो सबसे 5,000-10,000 जैसे मांग ले जिससे। आपसे कितना मांगे? हमसे 5,000, 5.5 से दिए नहीं आप? नहीं। शिकायत किया आपने कहीं उनके खिलाफ? हाँ शिकायत किए हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कितना दिन पहले मांगे थे? बस 10-5 दिन अभी हुआ है ना, अभी कह रहे हैं तो कहे नहीं, जब तक घूस नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कई दिन पहले पैसा मांग रहे थे? 5-7 दिन हो गया। क्या दिक्कत है? हमारे घर नहीं है, बनाओ खाए ठेका। तो आवास क्यों नहीं मिल रहा है? आवास सिगरेट की पैसा मांगा था। कितना मांग रहे थे? 5,000। तो दिया नहीं आपने? नहीं, हमारे जो भैया ना था 5 दिन। किस लिए मांग रहे थे वो 5,000? मांगा था आवास के लिए कि हमें दो, तो हम आवास दे। तो आपने उनके खिलाफ कहीं शिकायत नहीं किया? तो नहीं शिकायत की। अच्छा, क्या नाम है? देवकी नंदन। आपका क्या नाम है? उषा। गांव का नाम क्या नाम है? पढ़ाल से ही है। गांव का सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जिन्हें नया भैया आए। क्या नाम है उनका? थोड़ा क्या, कितना सच्चाई है? हाँ ये सही है, सेक्रेटरी पैसा मांगते हैं, सबसे मांगते हैं। हाँ घूस मांगते हैं 5,000 से, और एक व्यक्ति से 5,000 मांगते हैं। कितना दिन पहले मांग रहे थे? अभी केवल 1 हफ्ता लगभग से हुआ है। तो ये जो पात्र हैं कि नहीं, जिन जो जो आवास के लिए हैं? हाँ पात्र हैं ही। पात्र हैं। देखिए यहाँ की एक विधवा है, उनको भी उनका पति एक्सपायर कर गए हैं, उनको भी चाहिए। और ऐसे हम लोग को भी चाहिए, क्योंकि हमारे सबके पास घर है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब गलत हो रहा है गाँव में? हाँ गलत हो रहा है यहाँ गाँव पर। क्या नाम है? शिवम। कुछ जो विधवा महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं पैसा मांगने, कितना सही है? हकीकत 100% है, पैसा मांगते हैं 5,000-10,000 ऐसे करके, 7,000 करके ऐसे लोगों से मांगते हैं। हाँ घूस लेते हैं हमेशा, तब देते हैं। अगर कोई नहीं दिया तो नहीं, नाम नहीं डालते, नहीं नाम ही नहीं डालते हैं लिस्ट में, हम काट देते हैं। और जो ये पात्र हैं कि नहीं जो आवास के लिए अप्लाई? सब पात्र हैं, जितने लोग हैं यहाँ जिसके घर पे गए हैं सब पात्र हैं। अभी ये भी पात्र हैं, वो आवास नहीं पा रहे हैं। कई महिलाएं पात्र हैं? सब पात्र और दे नहीं रहे। नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कहीं शिकायत किए हैं इसकी? शिकायत किया थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ठीक, क्या नाम है? आवास नहीं मिल रहा है? नहीं। सेक्रेटरी कौन है? देवकी नंदन।
तो जो आरोप महिलाएं लगा रही हैं कितना सच है? सही है, सच है। ये सब महिलाएं पात्र हैं आवास की? जी। तो जो पैसा लेने की बात कर रही हैं? पैसा तो लेते हैं, घूस लेते हैं। कितना मांगते हैं? 5 से 10 हज़ार। अच्छा, तभी देते हैं वो? जी, नहीं देते हैं तो नाम नहीं डालते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सचिन। हाँ। हमरे काबले खाना बनाओ जगह नहीं है। आवास नहीं पाई हो? नहीं। तो क्या, क्यों नहीं आवास मिला है? पैसा मांगते हैं। कौन मांगता है? सेक्रेटरी। क्या नाम है उनका? देवकी नंदन। कितना मांग रहे थे? 5 हज़ार। कितना दिन पहले मांग रहे थे? अजय 10 दिन के पहले। क्या बोले? 5 हज़ार हमें रुपया घोस दो। हाँ। हमारे पैसा है ना, परेशान बहुत हैं। हमारे हाँ। 4 लड़के हमारे को कमैया ना आई है। अच्छा, तो आप जब घूस मांग रहे थे आपने कहीं शिकायत नहीं किया? शिकायत कहन है? किससे? सेक्रेटरी से। वही मांग रहे हैं, उन्हीं शिकायत किया? हाँ। शिकायत किया गया है विधवा महिलाओं द्वारा। हाँ, क्या है मामला? विधवा आवास का एक लक्ष्य था जी, तो इस पे मतलब सचिव जी पाए थे तो गए थे जांच करने। हाँ। मौके पे हम तो नहीं थे। हाँ। एक कुछ महिलाओं ने बताया है कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हाँ। इसमें कितना सच है कितना झूठ मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, लेकिन महिलाओं ने आपसे कहा है? जी। तो आपकी सेक्रेटरी से बात नहीं हुई? नहीं, हमारी तरफ से बात नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कौन से ग्राम के प्रधान है? गंगाई बुजुर्ग।